आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बाफला बाटी की रेसिपी। और इस बाटी में आपको कचौड़ी समोसे का टेस्ट आएगा, एकदम क्रिस्पी और क्रंची बना है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपने एक बार बना लिया तो इसको बाटी को आप बार बार बना के खाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनती है कि आप ज़रूर बार बार बनाना चाहेंगे। तो ये बाफला बाटी कैसे मैंने बनाया है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो चलिए मैं बताती हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 15 नेम। बाफला बाटी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन, और इसे क्रोम सीड्स भी बोलते हैं। अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पे साल्ट ऐड कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो हमें डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं। और उसके बाद इसे इसमें हमें थोड़ा सा दही डालना है, दही हम इसमें 2 से 3 चम्मच डालेंगे, जिससे कि हमारा जो कचौड़ी है वो बहुत खस्ता सा बनेगा और सॉफ्ट रहेगा। और मैंने यहाँ मिलाया था घी, और घी से क्या होता है कि जो हमारा बाफला बाटी होगी वो क्रिस्पी बहुत बनेगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि बाटी है तो घी तो डालना बनता है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं पानी डाल के धीरे धीरे डो रेडी कर लेती हूँ। डो हमें ना तो लूज़ करना है ना टाइट करना है, इस टाइप का डो हमें रेडी करना है, सॉफ्ट डो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डो रेडी कर लिया है, और मैं इसको आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दिखा रही हूँ कि इस तरह का डो होना चाहिए। उसके बाद हम इसको कवर करके और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम इसका जो स्टफिंग है वो रेडी कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है चॉप किए हुए ओनियन और जिंजर, और मैंने चिली डाला है, और यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें जीरा डाला है। अगर आप ओनियन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। हींग डाला यहाँ पे मैंने। अब इसको हमें अच्छे से मिला लेना है, तो अभी मैं यहाँ पे अच्छे से मिला लेती हूँ और इसको भून लूँगी कलर चेंज होने तक। उधर मैंने यहाँ पे 5 आलू लिया है और उसको मैंने मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं, बॉयल आलू लिया है मैंने यहाँ पे, और इसको अच्छे से मैश करना है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, गुठलियाँ होंगी तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भून गया है और ऑनियन। अब मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर देती हूँ, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है गरम मसाला थोड़ा, और इसको भून लेंगे पहले ताकि कच्चापन नहीं आए, और उसके बाद हम यहाँ पे पोटैटो का जो मसाला है वो ऐड कर लेंगे। पोटैटो ऐड करके मैंने इसको मिला दिया है इसके मसाले में, और यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसे मिला लूँगी और थोड़ी देर भून लूँगी, उसके बाद हम इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हमारा डो भी सेट हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोरिएंडर है तो आप कोरिएंडर डाल दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास कोरिएंडर नहीं था तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी का यूज किया है, तो अब आपके पास जो हो वो आप डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे हो गया है, स्टफिंग रेडी हो गई है, मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया, एक साइड में स्टीमर को रख दूँगी, उसमें पानी रख दूँगी और उसको ढक के और इसको हमें गरम कर लूँगी, स्टीम आ जाए। इधर हमने प्लेट लिया है जिस पे हम बनाएंगे बाटी को, उसको हमने इधर ग्रीस कर लिया है एक ब्रश की मदद से। इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है, घी लगाना है क्योंकि बाटी है। इधर आप देख सकते हैं ये डो मेरा सेट हो गया है। एक बार हम अच्छे से मसल लेंगे और फिर हम इसके लोई बना लेंगे, इसका बॉल बना लेंगे, और जितने आपको बनाने हैं और छोटे छोटे साइज के बॉल बना लेंगे, उसके बाद फिर हम बाटी को रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बॉल बना रही हूँ। बॉल बनाने के बाद अब हम स्टफिंग इसमें भरेंगे। तो हम एक बॉल लेंगे और उसको हम थोड़ा सा हाथों की हेल्प से उसको चौड़ा करेंगे,
और इसमें बेलने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस तरह से आप बनाएंगे तो अच्छे से भर सकते हैं। इस तरह से हमें बना लेना है और फिर मसाले को इसके अंदर डालना है जो हमने स्टफिंग रेडी की हुई थी, उसको हम भर लेंगे। और इसको आप दबाते हुए इस तरह से आप भरेंगे और एक साइड से थोड़ा सा प्लेट देते हुए दबाते हुए भरेंगे तो आराम से भर सकते हैं। और इसका जो डो है वो एकदम सॉफ्ट है ताकि हमारा जो स्टफिंग है अच्छे से भर जाए, निकले भी नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा हिल घुमा देंगे और फिर इसको ऐसे करके और दबा देंगे एक जगह पे, और इस तरह से तो हमने थोड़ा सा प्रेस कर दिया है, बाटी के जैसा शेप दे दिया है। तो इसी तरह से हम सारी बाटी रेडी कर लेंगे जिस तरह से मैंने अभी बताया किस तरह से हमें करना है। दूसरा भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको स्टफ करके। तो इस तरह से मैंने फिर दोबारा से लोई लिया है और उसको मैं फिर से इस तरह से हाथों की हेल्प से बड़ा कर लूँगी। और इस तरह से देख सकते हैं, और पहले सब लोग इसी तरह से भरते थे और अभी थोड़ा सा रोल करके भी भर देते हैं। तो थोड़ा मेरा हाथ पीछे जा रहा है उसके लिए सॉरी। तो फिर से मैंने ये स्टफिंग लिया है और उसको फिर से मैं इसमें स्टफ़ कर रही हूँ और वापस से फिर वही प्रोसेस करना है इस तरह से। तो इस तरह से हम भर लेंगे और इसको दबाते जाएंगे। तो आप ये दूसरा तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं और या प्लेट डाल के कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। पहले वाले में हमें प्लेट डालते हुए इसको दबाना है और इसके अंदर हमें नीचे से हाथों की हेल्प से ऊपर ऊपर करना है। तो दोनों तरीके में से जो भी आप बना सकते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ। तो यहाँ पर नीचे हमने लगाया हुआ है घी प्लेट में, और अब मैं सारी बाटी बना के प्लेट पे रख लूँगी। यहाँ पे स्टीम बन चुकी है तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ऊपर से मैं थोड़ा घी और लगा दूँगी और ताकि जो है ताकि बाटी अच्छे से बने। तो इधर मैंने फिर से ब्रश की हेल्प से घी ऊपर से भी लगा दिया है। अब मैं कवर कर दूँगी। इसको बनने में 15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप खोल के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बाटी एकदम अच्छे से फुली फुली बन चुकी है, ये देखिए, और एकदम फुली है। अब हमको इसको नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है। तो अब हम इसे हाथों की हेल्प से प्रेस कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। अगर ये अच्छे से यहाँ पे थोड़ा दब जाता है और साइड से थोड़ा सा क्रैक भी हो जाता है तो उससे क्रिस्पी ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से आप कढ़ाई में घी डाल के और उसमें हम बाटियों को सेट कर देंगे इस तरह से। और हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है और घी इसमें बहुत अधिक नहीं लगता है। और इस तरह से हम पूरी बाटियों को रख देंगे और फिर इसको थोड़ा कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर हम ऊपर से भी थोड़ा सा घी इस तरह से लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमें इसको थोड़ा होने के बाद पलटना है। फ्रेंड्स, ये बाटी बहुत अच्छी बनती है, बहुत क्रंची बनती है, क्रिस्पी बनती है। और इस बाटी में आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका कलर, और घी भी बहुत कम लगता है और इस तरह से सिक जाती हैं। जितने कम घी में आप इस तरह से सेकेंगे उतना ही हमारा ये स्टफिंग बाटी जो है बाफला बाटी एकदम अच्छा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा और एकदम समोसे का टेस्ट देगा, कचौड़ी का टेस्ट देगा। तो एकदम न्यू रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। थोड़ा ऐसे प्रेस करके भी आप करेंगे तो और ज़्यादा क्रंची बनेंगी। तो ये जो है इसी तरह से हमें पूरा सेक लेना है। तो ये हमारी एकदम अच्छे से क्रिस्पी क्रंची सिक गई है बाटी। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना घी था वो घी बना हुआ है और मेरे बाटी बन चुकी हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्रंची और टेस्टी बाटी बनके रेडी है। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। ये तो ऐसे ही कुछ भी नहीं हो तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये बाटी बनके रेडी हो गई, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आती है ये मेरी रेसिपी तो आप इसको ज़रूर लाइक कमेंट और
फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर।